जय हिंद दोस्तों, भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आपको तो पता है कि 8 जुलाई को CMF अपना न्यू फोन लॉन्च करने वाला है, CMF फोन बन, और इसका फर्स्ट लुक वगैरह यहाँ पे सामने निकल कर आ चुका है। आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, डिजाइन वगैरह आपको अच्छा देखने मिल जाता है, अब तो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है। मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको बैक पैनल को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऊपर से मैं आपको बता दूँ, ये फोन इतना यूनिक बिल्कुल भी नहीं है, बस डिजाइन के चक्कर में थोड़ा सा यूनिक यहाँ पे देखने को मिलता है। बस इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, इससे भी बेटर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है अदर स्मार्टफोन जैसे IQ का G9। आगे चल के बताऊंगा सबसे अलग डिजाइन आप से लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे बैक पैनल को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, काफी सारे स्क्रूज मिल जाते हैं और इसके अंदर एक वही स्क्रू ड्राइवर मिलेगा जिसको आप इजिली खोल के इसका बैक पैनल को चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर 4 तरीके के आपको बैक पैनल देखने मिलेंगे जो आप अलग से यहाँ पे खरीद के इसके बैक पैनल यानी कि इसको इसके बैक को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो मेरे सबसे बेटर है। और इसके अलावा इसके अंदर आप एसेसरीज को भी अटैच कर सकते हैं जैसे कि आपको एप्पल के अंदर देखने मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई मैगसेफ जैसे फीचर्स नहीं मिल जाते, लेकिन आप इसके स्क्रू को खोल कर उसी में अटैच कर सकते हैं इसके एसेसरीज़ को। एक तो पाउच मिल जाता है जिसके अंदर आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं या फिर अपनी मनी को यानी कि पैसे को रख सकते हैं। और इसके अलावा एक स्टैंड भी देखने जाता है जो आपको साइड में लग जाएगा, जो क्रोन देख रहे थे ना उसको निकाल के उस उधर लग सकता है। और इसके अलावा एक स्ट्रैप देखने जाता है जो आपको साइड में जो क्रोन मिल जाता है जो घुमाने वाला उसके अंदर अटैच हो जाता है, जिससे आप इसको लटका भी सकते हैं अपने गले के अंदर, ठीक है। वैसे ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा डिजाइन लग रहा है, वैसे यहाँ पर देखने में थोड़ा सा यूनिकनेस उस प्राइस पॉइंट के अंदर देखने मिलता है। वैसे प्राइसिंग आपको अंडर 20,000 रुपीज़ के आसपास होने वाली है और इसका 8/128 GB वाला ब्रांड आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके अंदर 8 GB रैम होगी और 2 GB की वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो चिपसेट होगा वो भी आपको डिसेंट से मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, इनकी OLED डिस्प्ले होगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट होने वाला है, सिमेट्रिकल बेजल देखने मिलेंगे, इन डिस्प्ले में स्कैनर पंच होल डिस्प्ले होने वाली है। और तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको तो पता है कि Motorola का G85 आ रहा है जो कर्व डिस्प्ले दे रहा है, इससे भी बेटर यानी कि ओवरऑल इससे बेटर डिस्प्ले होगी कर्व डिस्प्ले अगर आपको देखने मिलेगी, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा Motorola के अंदर। लेकिन इस फोन के अंदर एक डिसेंट सी डिस्प्ले होने वाली है, इतना कुछ खास नहीं होगा। ऊपर से इसके अंदर जो Dimensity का 7300 जो प्रोसेसर है वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, जो चिपसेट इतना था खास नहीं है 7200 यानी कि IQ G9 या फिर Vivo K3 के अंदर, इससे फार बेटर परफॉर्मेंस हमें निकाल के देता है Dimensity का 7200। उसका एक डाउनग्रेड वर्जन आप से लोग कह सकते हैं 7300। पता नहीं यहाँ पे MediaTek ने इसकी नेमिंग क्यों गलत करी, इसका नाम होना चाहिए था Dimensity 7100, 7300 एक आगे का लगा दिया, इनकी नंबर बढ़ा दिए, लेकिन परफॉर्मेंस 7200 से कम यहाँ पे लागत दे रहा है। ओवरऑल सेम ही चिपसेट है, बस परफॉर्मेंस आपको 7200 से कम देखने मिलेगी, इतना आप पता लगा सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट सी होगी जिस प्राइस के हिसाब से आएगा। और इसके अंदर आपको LPDDR4X UFS 2.2 स्टोरेज और बैक के अंदर आपको 50 MP का मेन सेंसर हो रहा है। और दूसरा कहा जा रहा है कि इसके अंदर डेप्थ सेंसर होगा, IPS इसके अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस हो तो बेटर होगा। वैसे 16 MP सेल्फी होने वाली है, 5000 mAh बड़ी बैटरी के साथ 33W की चार्जिंग का ब्रेक देखने मिलेगा और इन द बॉक्स वाई कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये कुछ ओवरऑल स्पेक्स होने वाले हैं CMF फोन बन के अंदर, मेरे हिसाब से एक अच्छा एंड यूनिक सा डिजाइन है। बस इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन है वो एक डिसेंट स्मार्टफोन की तरह देखने को मिलते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो CMF फोन बन के बारे में, आपके सबसे क्या प्राइस होनी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता। तो नेक्स्ट वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।